जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे। हाय, आज का ये जो एपिसोड होगा ये संविधान पर होगा। आज हम जानेंगे ये संविधान क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को समझना, संविधान को पढ़ना, संविधान कैसे बना, संविधान क्यों बना, इन सारी चीजों के बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। लिहाजा आप इस चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान क्या है। सबसे पहली चीज जानते हैं कि संविधान क्या है। संविधान के बारे में समझना है कि वास्तव में संविधान शब्द बना किससे है, संविधान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, संविधान शब्द का अर्थ क्या होता है। तो संविधान शब्द जो है सम प्लस विधान, एक संधि है, उसी संधि से मिलकर के संविधान शब्द का निर्माण हुआ है। सम प्लस विधान, सम का मतलब होता है बराबर और विधान माने कानून, यानी कानून बराबर कानून, इसका मतलब सबके लिए बराबर कानून। तो संविधान की जरूरत या संविधान क्या है, वास्तु में संविधान नियमों सिद्धांतों का एक समूह है। संविधान बहुत सारे नियमों का, बहुत सारे सिद्धांतों का, कानून का, उसका एक समूह है। जब उसको एक किताबी शक्ल दे देते हैं दैट इज कॉल्ड इंडियन, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में नियमों को ही पढ़ा जाता है, संविधान में नियमों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे हम संविधान कहते हैं। यानी संविधान का मतलब ये हुआ कि जिसमें बहुत सारे सिद्धांत हों, एक ऐसी किताब, एक ऐसी लिखित रूप में, कोई ऐसी लिखित रूप में किताब हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ नियमों सिद्धांतों के बारे में लिखा गया हो, तो उसे संविधान कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप संविधान समझ गए होंगे कि संविधान क्या चीज है। अब संविधान से संबंधित है कि संविधान क्या है, जिसके बारे में आपने डिटेल में जाना। हमने सिर्फ संविधान की एक छोटी सी झलक दी कि संविधान क्या है। तो संविधान नियमों का एक समूह है, सिद्धांतों का एक समूह है। अगर उसके एक किसी किताब की शक्ल में दे देते हैं तो वो भारत का संविधान या किसी भी मुल्क का वो संविधान बन जाता है, देश या मुल्क। अब सवाल ये उठता है कि मुल्क क्या चीज है, देश क्या चीज है। देश मुल्क, इसको उर्दू में मुल्क कहते हैं, है ना, मुल्क देश क्या है। तो समझना यह है कि देश या मुल्क क्या है। तो बहुत सारे धर्मों, नस्लों और जुबान, परचम को मानने वाला एक ऐसा समूह, बहुत सारे धर्मों को माने, बहुत सारे नस्लों को माने, बहुत सारे नस्लों परचमों को मानने वाला, जुबान को जानने वाला या मानने वाला एक ऐसा समूह, लोगों का समूह देश कहलाता है। तो बहुत सारे, अब जैसे देश है, देश में तमाम धर्म के लोग होते हैं, तमाम नस्ल के लोग होते हैं, तमाम जातियां होती हैं, तो इन सब का एक समूह जो होता है उसी को मुल्क कहते हैं या फिर देश कहते हैं। और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर तमाम धर्म के लोग, तमाम जातियों के लोग, तमाम नस्ल के लोग, ऐसे बहुत सारे समूह में रहते हैं लोग, जहां पर किसी एक ही पुराने कानून को थोपना, एक ही तरह के कानूनों को फॉलो कराना बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। इसलिए जब भारत गुलामी की बेड़ियों को पार करते हुए, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए आजादी के सुनहरे रंग में रंगा, तो भारत को सबसे पहले अपने संविधान की जरूरत पड़ी, जिससे भारत के मुल्क में, भारत के इस भारत देश में रहने वाले तमाम लोगों के लिए न्याय का मौका फराहम हो सके। इसलिए भारत भी एक
परचम के नीचे आकर के, एक झंडे के नीचे आकर के लोग अपने अपने धर्मों को भी मान करके किसी एक सिंगल कानून को, एक बेहतरीन से कानून को मानते हुए इस देश का निवासी बने। इसलिए पुराने कानूनों को भारत जैसे देश में लागू करना उतना आसान नहीं था, इसलिए भारत में संविधान की जरूरत पड़ी। तो अभी हमने पढ़ा कि संविधान क्या चीज है, अब संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। संविधान की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग, भारत में बहुत सारी नस्लों के लोग, भारत में बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं। तो बहुत सारे धर्मों, जातियों, नस्लों और तमाम चीजों को, रीति रिवाज को मानने वाले प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने अपने कलम से संविधान को लिखा था। भारत का संविधान की मूल, भारत के संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई है। राजादा ने होल्डर निप से, ये जो निप होती जिससे संविधान को लिखा गया था, इस निप का नाम होल्डर निप था। राजादा ने होल्डर निप से भारत के संविधान को लिखा था। संविधान की किताब में कुल 251 पन्ने थे। संविधान की किताब में कुल 281 पन्ने थे। संविधान की किताब में कुल 281 पन्ने थे। उसके बाद जिसका कुल वजन 3.75 किलोग्राम, यानी 4.25 किलोग्राम उस कुल पन्ने की वजन थे। और कुल पन्नों की जो कुल शब्दों की जो संख्या थी 186,385 शब्द लिखे गए थे इसमें। देखिए भारत का कानून को बनाने के लिए कितना लोगों ने मेहनत किया। भारत के कानून को एक ऐसे सुनहरे रंग से बनाया गया, ऐसे सुनहरे रंगों से किताब को सजाया गया जिसमें कई लोगों ने अपने अहम किरदार अदा किए। इसमें एक मशहूर शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार श्री इंद्रलाल बोस और इसको लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने 251 पन्नों में खुद इसे इटैलिक फॉन्ट में लिखा था, जिसमें 251 पन्ने थे, 3.75 किलोग्राम कुल पन्नों का वजन, 4 किलो, और इसमें कुल 186,385 शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। तब जाकर के भारत का संविधान एक लिखित रूप में तैयार हुआ था। संविधान की किताब के कुल 251 पन्नों पर मुश्तमिल यह संविधान, राजादा साहब ने संविधान लिखने के लिए एक भी पैसा नहीं लिया था। देखिए जब संविधान तैयार हुआ तो राजादा साहब ने संविधान को प्रेम नारायण राजादा ने इस संविधान की किताब को लिखने के लिए एक भी पैसा नहीं लिया। हाँ, उन्होंने एक शर्त रखी कि मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने जब उनसे पूछा कि आपको कितने पैसे चाहिए इसे लिखने के लिए, तो उन्होंने कहा मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं, बस मेरी एक ख्वाहिश है, कि संविधान के पेज पर अपना नाम, उनकी ख्वाहिश थी कि संविधान का जो पेज था संविधान के पेज पर अपना नाम और संविधान के अंतिम पेज पर उनके बाबा का नाम लिखा जाए, बस उन्होंने यही मांग की थी और इसको लिखने के लिए कोई पैसा नहीं मांगा था। तो इस तरह से भारत के संविधान को तैयार किया गया था। भारत का संविधान जाकर के तैयार हुआ था, लेकिन इसको इतने आसानी से नहीं तैयार किया गया था। फिर भारत का संविधान जब इस तरह से लिखना शुरू हो गया, भारत के संविधान को लिखना शुरू किया गया, उसमें कहा गया दिसंबर 1946 में जिस इमारत की तामीर शुरू हुई थी, असल में उसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। 1946 में भारत के संविधान बनाने की एक नई इमारत तैयार करने की जो पहल की गई थी, इसकी नींव सन 1928 और 30 के दरमियान में शुरू हो गई थी। 1928 और 30 के दरमियान में शुरू हो गई थी। बहरहाल 1946 में भारत के संविधान को लचीला रूप मिला और उसको जाकर के लिखना शुरू किया गया था। 1914 में गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संविधान के लिए अंग्रेजों के सामने एक प्रस्ताव रखा, लेकिन अंग्रेजों ने उसे विशुद्ध का बहाना बनाकर उसको टाल दिया था। कांग्रेस नेता और
भारतीय और मशहूर भारतीय वकील मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक रिपोर्ट दी थी जिसे नेहरू रिपोर्ट या स्वराज संविधान कहा गया। इसके जवाब में सरकार ने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाफिज कर दिया जिससे कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की दूरियों में और कल पैदा और दूरियां बनने लगी। इसी बीच 1945 में डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू ने सभी पार्टियों से मशवरा करके एक संविधान का खाका तैयार करने की कोशिश की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के चलते और तमाम आंदोलनों के कारण प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने भारत का नया संविधान बनाने तथा मुस्लिम लीग की मांग पर फैसला शुरू करने का हुक्म जारी कर दिया। इसी कारण से सरकार के तीन कैबिनेट मंत्री यानी ब्रिटिश सरकार के तीन कैबिनेट मंत्री भारत आया जिसे कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। व्यासराय ने शिमला की कोठी में एक बैठक की जिसमें कांग्रेस के मेंबर थे जिसमें कांग्रेस के अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उनके साथ पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और साथ में सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान साहब भी थे और मुस्लिम लीग के नुमाइंदे मोहम्मद अली जिन्ना चौधरी लियाकत अली खान और इनके साथ और भी तमाम लोग थे। राजे रजवाड़े भी शामिल थे इनके साथ। राजे रजवाड़े मुस्लिम लीग के तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ चौधरी लियाकत अली खान साहब सरदार निश्चल तवाल तथा नवाब इस्माइल खान साहब और सिख ईसाई तथा दलितों के नुमाइंदे भी शामिल हुए। राजे और रजवाड़ों के भी नुमाइंदे इसमें शामिल हुए जिसमें ये बात वायसराय की तरफ से रखी कि संविधान कैसे तैयार हो यानी इतने सारी चीजों को बात को रख करके भारत के संविधान को तैयार करने का एक मशवरा सन 1945 अराउंड में जब कैबिनेट मिशन आया था उस समय यह सारी बातों को रखी गई थी। लिहाजा भारत के संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज के एपिसोड में हम सिर्फ इतना ही बहस करेंगे कि भारत के संविधान की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई थी, भारत का संविधान क्या था। इंशाल्लाह कल जो वीडियो आएगा, कल हम जो वीडियो अपलोड करेंगे, कल का जो वीडियो होगा हमारा भारत का संविधान आगे कैसे बना पूरी उसकी डिटेल चर्चा करेंगे। भारत के संविधान कैसे बना, क्यों बना, क्या है संविधान, इन सारे बातों पर मुश्तमिल वीडियो हमारा 26 जनवरी से पहले यानी 24 जनवरी या 25 जनवरी के अराउंड तक पूरा वीडियो मुकम्मल हो जाएगा। आप भारत के संविधान को समझ सकते हैं। उसके बाद भारत के संविधान 26 जैन के बाद हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में वीडियो अपलोड करेंगे। लिहाजा चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप अगर ज्यादा से ज्यादा वीडियोस हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में और तमाम चीजें पढ़ना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।